इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी जुड़े हुए हैं और ये समय हो गया है कार्यक्रम किसान की बात का। आज मैं हूँ आपके साथ आरती और मैं हूँ आपके साथ अरविंद। और आज हमारे साथ है एक और खास मेहमान, हमारा 2019 का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर। इस कार्यक्रम की शुरुआत बेशक अभी हो रही है लेकिन इस श्रृंखला की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। साल का बेशक ये आखिरी दिन है, इस साल का हमारा आखिरी कार्यक्रम जरूर है, आखिरी विषय जरूर है, लेकिन हमारा और आपका साथ आगे तक जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, और इस शुरुआत के साथ हमने इतनी ढेर सारी जानकारियाँ और इतनी ढेर सारी बातें आपके साथ साझा की है। कुछ बातें आपने अपनी हम तक पहुँचाई है हमारे पते के जरिए, हमारी ईमेल आईडी के जरिए, तो ढेर सारी बातें यूँ कहें कि एक दूसरे के साथ हमने बहुत कुछ जाना समझा और ये सफर बहुत सुहाना बना। जी हाँ, ये सफर दिन ब दिन और बेहतर होता चला गया। जो जानकारियाँ कार्यक्रम के जरिए, विशेषज्ञों के जरिए हमने आपसे साझा की, आपने अपने जो विचार हमसे साझा किए उनसे उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं लाभ तो मिला ही होगा। आपकी क्रियाओं से लगातार हमें पता लगता रहा, तो ऐसा ही ये सुहाना सफर और आगे तक जाएगा इस कार्यक्रम के जरिए और आगे बढ़ेंगे। ना सिर्फ किसान का इससे फायदा होगा बल्कि किसान के साथ साथ इस देश का फायदा होगा, जिससे हर नागरिक का फायदा होगा। बिल्कुल, और इन सारी बातों को हम अपने इस कार्यक्रम में जरूर आगे बढ़ाते रहेंगे जिससे आपको काफी लाभ मिल सके और आप ढेर सारी हमारी जो जानकारी हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुंचा रहे हैं उससे अपनी खेती में उन्नति कर सके, अपनी जीवन शैली को और भी ज्यादा सुधार सके, उन्नत कर सके। जी हाँ, बेशक आखिरी दिन है साल का, आखिरी विषय है, लेकिन सकारात्मक पहलू ये कि अब एक नया साल हमारे सामने होगा, नए सारे अवसर हमारे सामने होंगे और हमें और समय मिलेगा और ज्यादा विकसित होने का और ज्यादा तरक्की करने का, नई नई जानकारी लेने का। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की भी हम शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो है कैसे बनाएं कंपोस्ट खाद। जी हाँ, और कैसे इसे आप बना सकते हैं, किस तरह की खेती में ये ज्यादा उपयोगी होती है, इसके लाभ क्या है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सांगवान से। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति हमेशा की तरह आपके साथ और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सीमा सांगवान है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। डॉक्टर साहब, आज आपसे जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है कंपोस्ट खाद के बारे में कि कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं और ये कितनी फायदेमंद हो सकती है हमारे किसान भाइयों के लिए। और छोटा सा परिचय है सीमा का, ये जरूर देना चाहेंगे। डॉक्टर सीमा वैज्ञानिक है सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग में और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़ी है। पहले भी हमारे स्टूडियो में आ चुकी है, आपने कुछ अनुभव बांटना चाहे तो जरूर कहें पहले। जी, बहुत अच्छा जरिया है यहाँ पे आके हमारे किसान भाइयों से बात करना, उनको हमारी रिसर्च के बारे में बताना जो हम वहाँ बनाते हैं, नहीं तो कैसे उनको इन चीजों का लाभ पता चले कि क्या हम करें अपनी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो यही तरीका है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे हमेशा कि जितना अच्छी तरह से उनको बताया जा सके वो बता पाए। बिल्कुल, तो डॉक्टर सीमा आपने जैसे जिक्र ही किया है कि उन्हें जानकारी दे, उन्हें बताएं, जितना भी आपने रिसर्च किया है तो उस पर हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। हमने कहा कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं, तो कंपोस्ट खाद पहले ये हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ये है क्या और इसका महत्व क्या है, क्यों कंपोस्ट खाद का जिक्र आ रहा है। हाँ, कंपोस्ट खाद क्या है कि वैसे हमारे किसान भाई सब जानते हैं क्योंकि ये हमारी बहुत पुराने समय से खेती से जुड़ा हुआ है। कंपोस्ट खाद को कूड़ा खाद भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पौधों के जो अवशेष होते हैं, घर का कूड़ा कचरा या पशुओं का गोबर या जो कृषि का अवशेष बचता है, उस सभी को जीवाणुओं द्वारा विशेष परिस्थिति में विच्छेदन करवाना, उसको हम कंपोस्ट कहते हैं। यह कंपोस्ट गंध रहित हल्के भूरे या भूरे काले रंग का भुरभुरा पदार्थ होता है जिसको जब हम अपनी खेती में, अपनी जमीन में डालते हैं तो वो जो भी फसल है उसकी उत्पादकता भी बढ़ती है और हमारी जमीन का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे से बना रहता है। तो रासायनिक खादों का ये एक उसकी जगह आने वाली एक दूसरी अच्छी चीज है जिसको हम यूज करें, जितना ज्यादा हम अपना यूज कर सके उतना ही अच्छा हमारे पर्यावरण के लिए भी है और हमारी जमीन और हमारी फसलों के लिए भी है। अच्छा सीमा, हमें ये बताइए कि कंपोस्ट खाद और जैविक खाद में क्या फर्क है। कंपोस्ट खाद और जैविक खाद में क्या फर्क है ना, कि दोनों जैविक खाद में तो ये होता है कि बहुत सारे हम जीवाणु लेकर उनके जरिए से हम उन जीवाणु का एक ऐसा मिश्रण तैयार कर देते हैं जिनको हम डालते हैं, तो वो कोई उनमें से ऐसा होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर दे वायुमंडल की और कोई ऐसा होता है जो फॉस्फोरस को सोल्युबलाइज कर दे, ये सब जैविक खाद बनाते हैं। और कंपोस्ट में क्या होता है कि कंपोस्ट हम गोबर की खाद और गले सड़े कचरे और अवशेष से बनाते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल है हमारा, उस सबको यूज करके उसमें भी जीवाणु डाले जाते हैं। कचरे में क्या
होता है, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन, इसकी बहुत मात्रा होती है। तो इन सबको कन्वर्ट करने वाले, इनको बदलने वाले, परिवर्तित करने वाले ऐसे जीवाणु हैं जो उसको बदलते हैं और सबसे निम्न श्रेणी के पोषक तत्वों में उसको तब्दील कर देते हैं, जिसको पौधा बहुत आसानी से ले पाता है और ये हमारा कंपोस्ट बन जाता है। डॉक्टर सीमा, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सूक्ष्म जीव से जो कंपोस्टिंग की जाती है उसके लिए क्या जरूरी है। सूक्ष्म जीव से जो हम कंपोस्टिंग की प्रक्रिया करते हैं उसमें चार चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो कार्बन, कार्बनिक पदार्थ, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, जो खराब बड़ा सामान है, उसमें कार्बनिक पदार्थ जरूर होना चाहिए, जैसे कि सूखी पत्तियां, कागज, धूल मिट्टी, सब कुछ। इसमें कार्बन का बहुत अनुपात होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, जो कि बचे हुए जो फूल होते हैं जो मंदिरों से हम इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर सब्जियां होती है जो हमारे घरों में बचती हैं, छिलके भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बचे हुए फूल, सब्जियां, फल आदि, ये सब नाइट्रोजन का सोर्स बनते हैं। तीसरी जो चीज जरूरत होती है वो होती है ऑक्सीजन, जो कि हम वायुमंडल से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव ले लेते हैं। और चौथा होता है एक नमी प्रदान करना, जो कि हम पानी का छिड़काव कर करके उस कंपोस्टिंग प्रक्रिया के दौरान इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो ये चार ऐसी चीजें हैं जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस के लिए, जो कि सूक्ष्म जीव करेंगे, उनके लिए चारों चीजों का होना बहुत जरूरी है। ये चारों चीजें जब उनको मिल जाती हैं तो वो बहुत आसानी से उस वेस्ट मटेरियल में जितना भी कार्बन नाइट्रोजन है उसको निम्न श्रेणी में तब्दील करके इस तरह से परिवर्तित कर देते हैं कि उस कंपोस्ट को जब हम पौधों में डालते हैं तो वो बहुत आसानी से पौधा उनको ले लेता है और अपनी कमी को पूरा कर लेता है। अब बनाने की विधि भी सीख लेते हैं ताकि हमारे किसान भाई बना सके इसे। कंपोस्ट बनाने की तीन बहुत अहम विधियां हैं, जिनमें से गड्ढा विधि हम सबसे ज्यादा यूज की जाती है। उसमें क्या किया जाता है कि जमीन में एक गड्ढा खोद लिया जाता है, हालांकि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना सामान है, हमारे पास कूड़ा कचरा कितना है, उसी के हिसाब से वो गड्ढा खोदा जाता है। जैसे कि हम आम तौर पे देखें तो हम 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा खड्डा खोद सकते हैं। तो इस खड्डे को पहले हम गोबर से लीपते हैं चारों तरफ से। गोबर से लिपाई करने के बाद इसमें परत दर परत हम कूड़ा कचरा डालते हैं, सूखा और गीला दोनों। जैसे कि सूखे में ये सूखी पत्तियां, कागज, ये सब आ जाता है, और गीले कचरे में जो सब्जियां हैं, फूल हैं, ये और बचे हुए फल हैं, सड़े गले, जो किचन से हमारा बचता है, रसोई घर से बचता है, वो सब आ जाता है। तो ये अलग अलग होना चाहिए कि पहले एक, हालांकि घर में हम हमेशा, अगर हमें घर में भी ये चीज शुरू की जा सकती है, तो वो कचरा जो है हमेशा 2 अलग अलग हिस्सों में हमें बांटना चाहिए, एक जगह सूखा कचरा और एक जगह गीला कचरा। वैसे भी डस्ट दो अलग करते हैं, ग्रीन और ब्लू से। बिल्कुल, तो वो इसीलिए है कि उसको हम बाद में बहुत अच्छे तरीके से कंपोस्ट बनाने में, खाद बनाने में यूज किया जा सके। तो इसी तरह से वो परतें बनाई जाती हैं सूखे और गीले कचरे की, और उसके बाद उसमें वो सूक्ष्म जीव का टीका लगाया जाता है, कंपोस्ट का टीका। आप नहीं भी लगाएंगे तो भी गोबर खाद जब हम डालते हैं, इसके ऊपर गोबर खाद डाली जाती है, गोबर डाला जाता है, उस गोबर में पहले से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि आसानी से उसको परिवर्तित करने में शुरुआत कर देंगे। बस ये हो जाएगा कि अगर हम उसमें कंपोस्ट का टीका भी लगा दें तो वो प्रक्रिया बहुत जल्दी से होगी। लगभग कितना टाइम लगता है बनने में? देखिए, जो अगर हम ये सोचें कि हम गोबर खाद पे ही निर्भर रहें और उसी के सूक्ष्म जीव उसको कन्वर्ट करें, तो उसमें 12 हफ्ते से 13 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन अगर हम कंपोस्ट का टीका लगाते हैं वो तो 6 से 7 हफ्ते में वो तैयार हो जाता है हमारा बनके कंपोस्ट। लगभग 1-1.5 महीना। बिल्कुल, 1-1.5 महीने में बहुत अच्छा खाद बनके तैयार होता है, जिसको हम अदरवाइज डबल टाइम लगता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट डबल लगता है। हालांकि वो भी एक पहले जो पारंपरिक तरीके से खेती किया जाता था उसमें हमारे किसान भाइयों को हमेशा से पता था, इस तरह से खाद तैयार भी की जाती थी और वो डाली भी जाती थी। लेकिन वही है कि जब रासायनिक आया तो हमें लगा कि बहुत जल्दी से जिसका रिजल्ट मिले हम उसकी तरफ भागने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका असर हमारी सेहत पर भी हुआ, हमारी फसलों पर भी हुआ और हमारी जमीन पर भी हुआ। तो इसी वजह से हम फिर से अपना, हमने रुख मोड़ लिया है अपनी पारंपरिक तरीकों की तरफ, जो कि कंपोस्ट उसमें से एक बहुत बड़ा वो है। तो ये जो एक तरीका, वो आपने कहा तीन तरीके, तो पहला हो गया गड्ढा खोद के, और दूसरा आपने कहा मुझे कि घर में भी कर सकते हैं, तो क्या गमले में कर सकते हैं, जैसे जिनके पास में बगान नहीं है? बिल्कुल है, कर सकते हैं। जैसे कि मैं दूसरी आपको विधि बताऊंगी, वो है ढेर विधि। आप खड्डा नहीं खोद सकते तो आप ढेर विधि अपना सकते हैं। ढेर विधि में क्या होता है कि ऐसे ही हम एक ढेर बनाते हैं, एक कोठी टाइप बना लेते हैं, ऊपर ऊपर डालते उसको चारों तरफ से जो
सूखी लकड़ियां होती हैं, लकड़ी की पत्ते टाइप होते हैं, उन चारों से उसको ढक दे और उसको इस तरह से कर दे कि वो फैले भी ना। एक बार जिस तरह आप परत अगर अच्छे से उसकी जमा देंगे तो वो हिलेगा भी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो उड़ उड़ के कहीं जाएगा। वो दर परत उसको बनाते जाइए सूखे कचरे की और गीले कचरे की, और उसको फिर से ऊपर से आप गोबर से लेप कर दें और उसको ढक के रख दें। वो फिर से ऐसे ही 1.5 से 2 महीने में वो आराम से कन्वर्ट होके तैयार हो जाएगा हमारा कंपोस्ट। और तीसरी विधि है इंदौर विधि उसको बोला जाता है, वो अभी तो कम बहुत कम यूज किया जाता है। ये सर्वप्रथम सबसे पहले 1931 में अल्बर्ट हार्वर्ड और यशवंत बार्ड ने इंदौर में शुरू की थी, इसीलिए इसका नाम ही इंदौर विधि है। इसमें क्या किया था उन्होंने कि जो खड्डा बनाया था, जमीन में खड्डा बनाया, उसको 6 से 8 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, उसको बांट लिया और हर गड्ढे में इसी तरह से अलग अलग परतें डाली। एक में सूखा और गीला कचरा डाल दिया, एक में गोबर खाद डाल दी और एक खड्डे को उन्होंने आखिर में बचा के रखा जहां वो उसका मिश्रण करते थे टाइम टू टाइम, हर 15 दिन में उसको मिलाते थे और फिर से उनमें डाल देते थे। तरीका वही है, सब कुछ सामान वही है, सब कुछ तो वही डलना है, सारी चीजें हैं, बस ये तरीका था कि उसमें डिवाइड करके उन्होंने उन हिस्सों में बांटा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में हेर फेर किया और इस तरह से वो इंदौर विधि बोला जाता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है अगर उस विधि से किया जाए तो जल्दी होता है या जैसे समय लगता है उतना ही लगता है? नहीं, समय उतना ही लगेगा, वही है फर्क, सिर्फ समय का तब आएगा जब हम कंपोस्ट का टीका लगाएं या फिर हम अगर गोबर खाद पे ही डिपेंड रहे, उसके सूक्ष्म जीवों पे डिपेंड रहे तो वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। और कंपोस्ट का टीका जो कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हमारे वहां से उपलब्ध कराया जाता है, वो 30 रुपए का पैकेट आता है जिसमें हम 500 ग्राम अगर उसकी सामग्री को यूज करें, उन कंपोस्ट टीके को यूज करें, तो वो 1 टन कूड़े कचरे को परिवर्तित कर सकता है कंपोस्ट में। तो इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। वो भी एक कंपोस्ट टीका एक मिश्रण है जीवाणुओं का, जिसमें कि फफूंदी जो होती है उसके बहुत अच्छे स्पीशीज है उसके अंदर, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर बोलते हैं, एस्परजिलस आवामोरी बोलते हैं और ट्राइकोडर्मा है, तो ये सब मिलके हमने एक मिश्रण बनाया है जिसको कंपोस्टी का बोला जाता है। और ये बहुत आसानी से जो भी कूड़े कचरे में सूखी पत्तियों में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन होता है उसको परिवर्तित कर देता है कार्बन नाइट्रोजन में, जिसको आसानी से वो पौधा ले पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किसान भाई जिस भी विधि से करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तीनों में से जो भी विधि आप अपना सकते हैं, आप अपना करके कंपोस्ट खाद बना सकते हैं जो बहुत बेहतर है आपकी फसलों के लिए। तो बाहर से कुछ नहीं करना है, बस खुद से बना लेना है, तो जरूर कोशिश कीजिएगा। और बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं डॉक्टर सीमा, मैं सोच रही थी कोई ऐसी चीज भी है जो नहीं डालनी चाहिए उसमें? जी हाँ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि हमारे घरों में आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज बहुत होता है मटेरियल ऐसा, जैसे बैटरीज हैं या कुछ है, ये चीजें उसमें ना डालें। और रासायनिक कोई खाद या रासायनिक कोई भी चीज ना पड़े, प्लास्टिक ना डले उसमें, इसी तरह का जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब वेस्ट एक अलग चीज है, लेकिन ये कोई दवाई वाला पौधा ना हो या जिसमें कोई बीमारी लगी है, ऐसा कोई पौधा ना हो, उसकी पत्तियां ना हो, तो इन चीजों को हमें दूर रखना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये उन चीजों में ना पड़े, ताकि उसका लेवल, उसका क्वालिटी अच्छा रहे हमेशा। अच्छा डॉक्टर सीमा, एक बात और चलते चलते बता दीजिए, कंपोस्ट खाद किस तरह से रासायनिक खाद से ज्यादा लाभकारी हो सकती है? जी, कंपोस्ट खाद बहुत लाभकारी है। देखिए हुआ क्या था, पहले हम क्यों यूज करने लगे थे, कंपोस्ट यूज करते थे, कंपोस्ट बनाते थे, लेकिन फिर से रासायनिक की तरफ आ गए क्योंकि वो बहुत आसानी से मिलता था और एक उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत आसानी से बहुत कम समय में रिजल्ट आता है। लेकिन कंपोस्ट खाद में थोड़ा श्रम लगता है और समय खर्च होता है, लेकिन ना तो ये इतना महंगा पड़ेगा किसान भाइयों को, और सबसे अच्छी बात ये है कि ना तो ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालेगा, ना हमारे वातावरण पर प्रभाव डालेगा, और हमारी फसल और जमीन की स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ भी हो, आखिर में हम जो चाहते हैं वो तो यही है कि हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारा पर्यावरण अच्छा रहे, इसीलिए हर तरीके से कंपोस्ट खाद रासायनिक खादों से काफी बेहतर है और इसकी तरफ जाना चाहिए और किसान भाइयों को, और बहुत आसान है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसान भाई इसको कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल बनाएं और जो तीनों विधियों में से आपको सरल लगती है आप उसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं और कंपोस्ट खाद अवश्य बनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस पर जरूर ध्यान देंगे। डॉक्टर सीमा, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी बेहतर जानकारी दी, और इस विधि से करने से बहुत सारी रसायनों से हम दूर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, थैंक यू सो मच। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत, नमस्कार। चलते चलते एक बार पुनः कहेंगे kkbongold@gmail.com पे अपने प्रश्न हमें लिख करके आप भेज सकते हैं। नमस्कार।
तो किसान मित्रों, आप सभी को उम्मीद है ये जानकारी जो कैसे बनाएं कंपोस्ट खाद विषय पर दी गई है, डॉक्टर सीमा सांगवान हमारे साथ थी, उनके जरिए यह जानकारी आप तक पहुंची और आप इसको सुनकर जानकर इसका लाभ जरूर उठाएंगे। जी हाँ, और इससे जुड़ी हुई कोई भी आप जानकारी और लेना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। और अरविंद, मुझे लगता है कि आज जैसे सभी तैयारी कर रहे होंगे कि शाम के लिए काफी तैयारी की जाती है क्योंकि आने वाला साल है, उसका स्वागत हम बड़ा खुलकर करते हैं, तो हमारा ये जो कार्यक्रम है इसमें भी हम थोड़ा सा गीत संगीत के जरिए आज धूम मचा सकते हैं। बिल्कुल, और जब बात गीत संगीत धूम नाच गाने की हो तो पंजाबी गीत से बेहतर क्या होगा जिसके धुने सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं। जी हाँ, तो आइए बिल्कुल सुनते हैं ये पंजाबी लोकगीत। तो साथियों, अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा पंजाबी लोकगीत, और आइए कार्यक्रम को थोड़ी और गति देते हैं और सुनते हैं किसान मित्र से हुई हमारी ये बातचीत। और अब किसान की बात हम सब के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और हमारे साथ है एक किसान भाई। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अमित जादव नाम है मेरा। अमित जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, कौन सी खेती लेते हैं आप? हम गन्ने की खेती लेते हैं, महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र जो बोलते हैं वो बाजू में ज्यादा करके खेती गन्ने की होती है क्योंकि वहाँ पे जिधर ज्यादा पानी रहेगा वहाँ पे अपना गन्ना अच्छे से आ सकता है क्योंकि गन्ने को ज्यादा पानी की जरूरत रहती है। साल में गन्ना नहीं बोले तो दो बार आप ले सकते हैं, तो इसके लिए गन्ने में क्या रहता है, दो फायदे रहते हैं अपने को। एक बार लिया तो फिर उसकी फसल काटने के बाद वही जो उसका जो रहता है बीज नीचे वो फिर से उग सकता है और उसको दोबारा अपन मतलब उसका ये उत्पन्न ले सकते हैं। करीब कितने महीने की फसल हो जाती है गन्ने की? गन्ने की नहीं बोले तो फसल ना 6 महीने में 8 महीने में हो सकता है, फसल उसका रेडी हो जाता है। अगर 6 महीने 8 महीने लगे तो साल में आप दो फसल ले पाते हैं? साल में दो फसल हो जाते हैं हमारे। अच्छा, लेकिन गन्ना बड़ा लंबा हो जाता है और कई बार हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो उससे गन्ने को नुकसान हो जाता है, जैसे आंधी आ गई तूफान सा आ जाता है, तो फिर उसके लिए आप क्या करते हैं, गन्ने को फिर बांधते हैं कैसे, उसको रोकते हैं? नहीं, उसके लिए तो अभी आंधी हवा में वो गन्ना गिर सकता है। हाँ, गन्ना गिर जाता है लेकिन उसका मूड़ जो रहता है वो नीचे मिट्टी में रहता है, इसके लिए उसका कुछ नुकसान नहीं हो सकता। ऐसा गिर सकता है लेकिन वो जो मूड़ रहता है उससे नहीं गिरता वो, तो ऐसा गिर के पड़ेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ऐसा उसके लिए। गन्ने की फसल के साथ में कोई और भी फसल ले लेते हैं नीचे में, और भी कुछ लगा सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं ना, गन्ने का खेती जब भी आप स्टार्ट में उसको बोलते हैं लगाते हैं उसके अंदर आप मिर्ची, बैंगन
टमाटो ऐसा और भी या कोथिंबीर ऐसा कुछ भी उगा सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में जगह रहती है, जो उसको एक गन्ने का एक लाइन ऐसा सरी रहता है उसको बोलते हैं, उसके बाजू में रहता है, उसके बीच में थोड़ी जगह रहती है, उसमें आप कुछ भी उगा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें, उसमें भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वो दो महीने में कुछ भी कर सकते हैं ना उसमें। लेकिन उसके लिए फिर धूप नहीं आ पाती होगी तो उसे? नहीं, जब भी गन्ना छोटा है तभी ले सकते हैं, एक बार गन्ना बढ़ गया तो उसमें कुछ और नहीं लगा सकते। अच्छा, गन्ने की आप एक ही किस्म लगा रहे हैं जो पहले से लगाते आ रहे हैं, या उसके अलावा आप कभी कभी वो किस्म बदलने की भी कोशिश करते हैं? हाँ, उसमें क्या रहता है, गन्ने में अलग अलग बहुत जाती है, एक गन्ना कोई जाड़ा वाला रहता है, कोई हाइट में ज्यादा रहता है, कोई रसेला रहता है, तो उसमें क्या अलग अलग जो अभी नया मार्केट में जो आएगा, तो जो अपना जो वैज्ञानिक बनाते हैं तो उससे फसल में अच्छा जो उसको रस मिलता है तो वो हम लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं उसमें। कहाँ से आता है अच्छा खत? मतलब अपना ये जो गांव में रहता है भैंस गाय भैंस का वो रहता है, तो उससे जो खत होता है वो बहुत अच्छा रहता है, वो रासायनिक खत से वही अच्छा खत रहता है, या गोबर गैस बोलते हैं गाँव में उसको, वो भी जो रहता है उससे फसल अच्छी आ सकती है, और अपने खेती का जो जमीन है वो भी रासायनिक नहीं हो सकता और जल्दी ख़राब नहीं होगा। और जैसे आपने गन्ना जब दो बार, आप कह रहे हैं कि हम दो बार इसकी फसल ले लेते हैं, तो उनके बीच में थोड़ा सा अंतर रखना पड़ता है? अंतर मतलब इतना अंतर नहीं रखना पड़ता, क्योंकि एक बार गन्ना कट हो गया तो उसको पूरा जो रहता है अंदर जो उसका रहता है वो निकालने के बाद ना उसको फिर दोबारा पानी देंगे ना, जो पहला उसका मूल से नहीं कटते ना गन्ना, ऊपर से ऐसा कटा जाता है तो उसका मूल नीचे में रहता है, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे अपन छोड़ेंगे ना फिर से वो उग जाता है, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर अपने को कंटिन्यू उसको ही रखना है, अपने को कुछ गैप देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मूल उसके अंदर ही है जमीन में। मतलब खेत को तैयार करने की दूसरी वाली खेती के लिए जरूरत नहीं, सिर्फ साफ सफाई करना जरूरी है उसमें, मतलब जो गन्ना कट करने के बाद जो उसका छोटा छोटा गन्ना गिरता है या उसका जो पत्ता रहता है उसका गिरता है वो निकालने के बाद साफ करने के बाद ना हो सकता है, कोई कोई गांव में वो पत्ता जलाते भी है, लेकिन वो जलाने से प्रदूषण होता है, उससे अच्छा बेटर है कि उसको साफ करके ले। और जो व्यापारी होते हैं वो खेत पर ही आ जाते हैं या आप अपना माल बेचने के लिए जाते हैं, और कितने दिन तक गन्ने को आप रख सकते हैं अपने पास में? नहीं, एक बार गन्ना कट होने के बाद ना उसको 48 घंटे के अंदर, मतलब जितने जल्दी अपना जो कारखाना है उसके उधर जाएगा मिल पे, तो उसका वजन वैसा उतना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा दिन रुकेगा तो धूप के वजह से उसका रस थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो जितने जल्दी कारखाने में जाएगा उतना अच्छा अपने को वजन मिलेगा, टन बढ़ जाएगा, अगर टन बढ़ जाएगा और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्वालिटी भी, और जो शक्कर भी है वो अच्छे से उसमें, मतलब रस ज़्यादा गिरने से शक्कर अच्छे हो जाएगी उसमें, ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके लिए क्या जितनी जल्दी हो सके उतना कारखाने पर तक जाना चाहिए। और इसमें जो बीच में ठेकेदार ऐसा कुछ नहीं रहता, ये क्या रहता है, ये कारखाना जो रहता है वो एरिया का, वो कारखाना के अधिकारी आते हैं और वो उसको देख के इसको काटना चाहिए उसको, मतलब डायरेक्ट ले जाते हैं। हाँ, इसमें कोई ठेकेदार बीच में नहीं रहता। अमित जी, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, खेती की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? खेती की तरफ रुझान, मतलब मैडम मैं जो अपना एग्रीकल्चर में ऑलरेडी मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, तो उससे मुझे फायदा ये हो रहा है कि खेती करने में मेरे को आसानी हो रही है, कि नए तरीके क्या रहते हैं खेती में, क्या कर सकते हैं, उससे अपना खेती का कितना फायदा हो सकता है, उससे क्या होता है बाकी लोग देख के बाकी लोग भी बोलते हैं बाबा नहीं ये जो कर रहा है इससे अपन भी करना चाहिए, तो बाकी लोग भी फॉलोअप करते हैं, तो पढ़ाई का भी इसमें फायदा होता है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो उसमें भी खेती में आप जाओगे तो उसका आपको फायदा ही होने वाला है, ऐसा कुछ नुकसान नहीं। आजकल बहुत सारे लोग हैं कि पढ़ के भी अपना खेती में कैसे आगे बढ़ना है, फल फ्रूट का भी खेती करते हैं और गन्ने का भी खेती कर सकते, ऐसा कुछ बहुत फायदा है उसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं अपना जो ग्रेजुएशन किया वो एग्रीकल्चर में किया, इसके लिए मेरे को आगे जाके इसका बहुत फायदा हो सकता है, और बाकी किसानों को भी मैं बोलता हूँ कि बाबा ऐसा करना चाहिए, कि वो लोग मुझे पूछते हैं कि उन लोग को लगता है कि मैं इतना पढ़ा हूँ तो मैं उनको अच्छे से कुछ तो ध्यान दे सकता हूँ, तो मैं उनको भी बताता हूँ कि ऐसे करने से अच्छा अपने को फायदा हो जाएगा, तो इसको मुझे बहुत फायदा हो रहा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित, 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
आप सुन रहे आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर कार्यक्रम किसान की बात। और साथ ही जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल तेजी से बदल रहा है, जो कि फसलों पर बहुत ज्यादा असर डालती है। जो हमारे किसान मित्र हैं, वो थोड़ा मौसम के हिसाब से अपनी खेती को दिशा दे सकें, उसको संभाल सकें और थोड़ी उसकी देखभाल कर सकें। तो आइए जानते हैं मौसम का हाल। और अब मौसम की बात किसान के साथ। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सप्ताह के दौरान आसमान में सुबह के समय कोहरा रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादलों की स्थिति 2 ऑक्टा रहेगी और सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 100% और न्यूनतम 65% रहेगी। हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा पूर्व दक्षिण पूर्व रहेगी। 1 जनवरी 2020 को हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। आने वाले दिनों में शीतलहर को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि नर्सरी फल वृक्षों के नए बाग तथा अन्य फसलों को शीत अवरोधक बनाकर या पुलाव आदि से ढककर शीतलहर से बचाव करें। ये था मौसम का हाल और कृषि परामर्श। तो अभी आपने जाना मौसम का हाल, और मौसम का हाल ना सिर्फ किसानों पर असर डालता है बल्कि आज तो उन लोगों पर भी थोड़ा असर डालेगा जो नए साल के जश्न में डूबे होंगे और उसकी तैयारी कर रहे होंगे नए साल के स्वागत की। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि बाजार का भाव किस तरह से किसानों पर असर डालेगा। जानते हैं बाजार भाव में। ऑफिस कॉम्प्लेक्स NFM फेज 2 सराय पीपल थाला आजादपुर दिल्ली 33 से प्राप्त बाजार भाव के अनुसार सबसे पहले लेते हैं फलों के भाव। सेब 110 रुपए प्रति किलो, अमरूद 35 रुपए प्रति किलो, अनार 60 रुपए प्रति किलो, चीकू 29 रुपए प्रति किलो, अंगूर 37 रुपए प्रति किलो और किन्नू 16 रुपए प्रति किलो। और अब जानते हैं सब्जियों के भाव। आंवला 18 रुपए प्रति किलो, बथुआ 18 रुपए प्रति किलो, बीन्स 24 रुपए प्रति किलो, ब्रोकली 50 रुपए प्रति किलो, चुकंदर 24 रुपए प्रति किलो और गाजर 26 रुपए प्रति किलो। ये थे आज के बाजार भाव। साथियों, आप सभी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी जो भी बातें हैं हमसे साझा करते रहते हैं। और कुछ भी कहना चाहते हैं आप, जो आपके मन में है इस कार्यक्रम को लेकर, कुछ और विषय ऐसा कुछ जिसके विषय में आप जानकारी चाहते हैं और हम उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। श्रोता, हम लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि जो किसानों के लाभ की बात है वो विशेषज्ञों के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचे, हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सकें। इसी सिलसिले में अगर आप कोई कार्यक्रम नहीं सुन पाए हैं या फिर कोई कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी डेली पर जाकर इसे दोबारा सुन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास तमाम विकल्प हैं जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको ये भी बता दें, क्योंकि अब हमारा चलने का समय हो रहा है, तो कल कौन सा कार्यक्रम है जिसे आप सुन सकते हैं? कल का हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम रहेगा जिसमें आप सुन सकते हैं। विषय रहेगा प्याज की रुपाई और लहसुन में समसामयिक कार्य, जिसमें हमारे विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर अनिल खार। जी हाँ, फोन इन कार्यक्रम है और ये भी एक और माध्यम है आपका और हमारा जुड़ने का। तो जरूर कॉल कीजिएगा और काफी अच्छा विषय है वर्तमान स्थिति में देखते हुए, तो इसकी जो खेती है बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई भी आपके सवाल हो जरूर हमें फोन कीजिएगा। तो नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं सभी किसान बहन भाइयों और साथ साथ तमाम देशवासियों के लिए ये नया साल बहुत ज्यादा अच्छा रहे, सभी लोग तरक्की करें, सभी स्वस्थ रहें और देश भी आगे और तरक्की करे। पूरे किसान की बात टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। नए साल में आपसे दोबारा मुलाकात होगी और पहली मुलाकात होगी नए साल में आप सभी से। तब तक के लिए मुझे अरविंद को और मुझे आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। और श्रोताओं, अब वक्त होता है समाचारों का। आज की ताजा।